हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और गाइस, आज एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पोकेमॉन प्लैटिनम को। लास्ट टाइम गाइस हम आए थे डिस्टॉर्शन वर्ल्ड में, और यहाँ पर यार बहुत सारी चीजें करने के बाद हमारी बैटल हुई थी सारस से। इस अजीब सी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, और गाइस आज हम जाने वाले हैं गैरेटिनो को पकड़ने के लिए। जैसे कि सिंथिया ने कहा है, आज हमें गैरेटिनो को पकड़ना है जो कि डिस्टॉर्शन वर्ल्ड का किंग है। तो देखते हैं गाइस आज क्या हम उसे पकड़ पाएंगे। रियली मुझे इस वाले वर्ल्ड में काफी ज्यादा मजा आया है, और मैं जाने वाला हूं डार्कनेस के किंग के पास। पता नहीं कैसी आवाज थी ये। ओके, चलो आगे चलें। ओ, रास्ते बन गए हैं। और आगे, और आगे। ओके गाइस, ओके, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए। गैरेटिना आ गया भाई, गैरेटिना आ गया। ओ भाई, गैरेटिना क्वाइटली आइंग हनी। अरे भाई, गैरेटिना हमें देख रहा है गाइस। वाओ, अरे भाई भाई। ओ गाइस, तो यार हमारी यहां पर बैटल हो गई गैरेटिना से। देखते हैं गाइस हम इसे पकड़ पाते भी या नहीं। मैं सच में एक्साइटेड हूँ सब चीजों के लिए। ओके, तो गाइस मेरे आगे फैल्कन है। हम लोग क्या करेंगे ना, स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे। हमें पता है यार हमारा फैल्कन थोड़े बहुत अटैक से बच सकता है। गैरेटिना भी वैनिश होगा तो हम भी वैनिश होंगे, दोनों के अटैक बराबरी से लगेंगे। इससे क्या होगा ना, फैल्कन फेंटेड नहीं हो पाएगा। एक तरीके से एडवांटेज है ये, देखते हैं ट्राई करके। ओके, और बराबर से हेल्थ जाएगी जितनी हमें चाहिए है। डजंट इफेक्ट, मुझे लगा ही था यार उसके ओमनियस अटैक का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला फैल्कन पर। ठीक है, बहुत सही, एंशिएंट पावर से भी हम बच गए। ओके भाई, मस्त स्ट्रेटजी जा रही है अभी तक तो। एंशिएंट पावर हमें लग गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम दूसरे पोकेमोन का यूज कर लेंगे। गैरेटिना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, नाइस 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 गाइस, आज ना मजा आ रहा है गैरेटिना से लड़ने में। लॉर्ड ऑफ दी डार्कनेस, खतरनाक पोकेमोन एक नंबर का। अरे भाई सही है यार, अब हम क्या करते हैं ना, एरियल एस का यूज करते हैं, बस ये फेंटेड ना हो। ओ नहीं 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 नहीं, एक अटैक करके चला जाता। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर ना हमारे पास में कोई कमजोर सा पोकेमोन है, साय है आई थिंक। साय कुछ करे हम, मुझे ज़्यादा कुछ अटैक नहीं करना, थोड़ा बहुत भी पड़ जाए तो बहुत होगा। देखते हैं रॉक स्मैश का यूज करके, आई थिंक रॉक स्मैश ही ख़त्म नहीं होने वाला। ओके, लेकिन हम भी तो टिक पाए, चलो टिक गए। अरे डजंट अफेक्ट यार, मैं भूल कैसे गया। ओके ओके ओके, सर्फ एंशिएंट पावर से हम खत्म। मैं सोच रहा हूँ उसकी हेल्थ रेड हो जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं लक्सरे का। मे बी लक्सरे का और थंडर फैंग कुछ कर ले। थंडर फैंग से क्या होगा ना, ये पैरालाइज हो जाएगा गैरेटिना, जिसके बाद हम इसे पकड़ पाएंगे। बस ये फेंटेड ना हो प्लीज प्लीज गैरेटिना। अरे समझ जाना। ओ बहुत सही बहुत सही, मुझे जितनी हेल्थ कम करनी थी गाइस उतनी ही कम हुई है। ओके नाइस, ये सही है। शैडो फोर्स, लेकिन फेंटेड होने से बच जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं हो बच पाए। गैरेटिना के गाइस हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, और अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं ब्लेज का। ये तो गार्चोम तो नहीं, गार्चोम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्सा का, आई होप एल्सा के पास में कोई छोटे मोटे अटैक्स, तो लाइक शैडो वॉल से बहुत हेल्थ जा सकती है। मैजिकल लीफ का अटैक, मैजिकल लीफ करके देखते हैं। ड्रैगन क्लॉ, अरे हम ना ख़त्म हो जाए, ख़त्म यार। अरे बच गए, बहुत सही। मैजिकल लीफ, अरे कमाल है भाई, बिल्कुल हेल्थ कुछ ज़्यादा ही कम चली गई यहाँ पर ये वाला अटैक। शैडो वॉल, लेकिन हम ख़त्म हो जाएंगे मैं ये कह सकता हूँ। गैरेटिना भी सही लड़ रहा है अभी तक तो यार, बिल्कुल देख रहे हो हमारे पोकेमोन खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन बात इतनी है ना, हम इसे फेंटेड नहीं करना, हमें कोशिश करनी है कि गैरेटिना फेंटेड ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्थ कम हो बस।
तो अब यहाँ पर गार्चॉम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ब्लेज ठीक ठाक है। लेट्स सी ब्लेज का कौन सा अटैक कमज़ोर है। अरे यार सारे तो पावरफुल हैं भाई, अगर एक भी अटैक किया ना तो ख़त्म। एनीवेज गाइस अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपनी बॉल्स का अल्ट्रा बॉल। अब शुरुआत करेंगे अल्ट्रा बॉल की, एक के बाद एक 50 फेंक देंगे, देखते हैं कब तक ये पकड़ में आता है। जब तक नहीं आता पकड़ते चलेंगे। अरे भाई मुझे लगा पकड़ आ ही गया, ऑलमोस्ट हैड इट भाई, इतनी जल्दी ऑलमोस्ट हैड इट, कमाल है। ओके अब पकड़ के देखते हैं। ओके एक और बॉल, कौन सी, मैं सोच रहा हूँ कोई और बॉल का यूज़ करें, जैसे कि नेस्ट बॉल, हील बॉल, या तो डस्क बॉल। डस्क बॉल क्या है पता नहीं, जैसे कि रुक जाओ ट्राई करते हैं डस्क बॉल। आ सम हाउ डिफरेंट पॉकीबॉल दैट मेक्स ईजियर टू कैच पॉकीमॉन। ओके डार्क प्लेस, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता ये पकड़ पाएगी, देखते हैं। अल्ट्रा बॉल का ही यूज़ करेंगे भाई, पता नहीं, नहीं करने वाला उसका यूज, इसी का करेंगे हम। ओके ओ भाई ओ व्हाट, गैरिटी ना पकड़ में आ गया। ओ भाई ऑसम, लिटरली भाई मैंने सोचा नहीं था गाइस हम पकड़ पाएंगे। ओ भाई सेकंड पॉकीबॉल में क्रेजी भाई, क्या है यार ये, हमारी लेजेंडरी पोकेमोन की हंटिंग तो कमाल हो गई यार, मतलब वाव ऑसम। सेकंड पॉकीबॉल में गाइस तुमने देखा, ओ माय गॉड लिटरली भाई ये क्या था। ओके भाई ऑसम ऑसम, गैरेटिना सीम्स टू हैव अंडरस्टूड अस, दैट पोकेमोन, दैट शैडोई पोकेमोन वाज कैप्चर्ड। You are doing so means this irrational world will remain in existence. Oh, ये अभी भी आ गया। Does that make it impossible for me to create a new world? Even if I made a new raid chains, the new world can't be made. Why? What compels you to protect the two worlds? Is spirit a vacuum and incomplete thing so important to you? Cynthia, the places we are born, the time we spend living, the language we speak. भाई बिल्कुल सही। We are all different, but the presence of Pokemon unites us. यार सिंथिया सच में कमाल की है, इसने कहा कि हम इस दुनिया में पैदा हुए, हमने यहाँ पर बोलना सीखा, मतलब कमाल है यार सिंथिया। We share our lives with our Pokemon, and our happiness grows as we all become greater than we were alone. That is why we can battle and trade with anyone we choose. Silence! चुप हो जो। Enough for oh भाई That's how you justify spirit as something worthwhile. That is merely human hoping, deluding themselves that they are happy and safe. The emotions rolling inside me, rage, hatred, frustration. These ugly emotions arise because of my own incomplete spirit. Enough, we will never see eye to eye. ठीक है भाई जल्दी जाओ। Okay, बना लेना किसी दिन। Cynthia लेकिन कमाल है। Cynthia. Since there is sadness, we can feel joy. When there is anger, compassion is born. Let's go back home. The portal where Garadina was should lead back to our world. Garadina was written in legend as being the other side of our world. ठीक है तो इस वाले का ही हम पोर्टल से वापस घर में जा सकते हैं, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा क्रेजी था भाई। लिटरली हमने सिर्फ दो अल्ट्रा बॉल से उसे पकड़ा है भाई, ये मेरे लिए एक और नया रिकॉर्ड है। दिस प्लेस इट्स द सैंड ऑफ स्प्रिंग। अरे वाह तो दूसरी दुनिया, अपोजिट दुनिया है ना ये हमारी दुनिया के। वाओ लेट मी से दिस बिहाफ ऑफ ऑल स्नो हनी थैंक यू। अरे सिंधिया थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या आज कह ही देता हूँ अपनी दिल की फीलिंग्स, चलोगी मेरे साथ में डेट पर? मैं बहुत समय से ये कहने की सोच रहा था लेकिन कह नहीं पाया, अब दुनिया खतरे में थी तो मैं कैसे कहता, लेकिन क्या तुम मेरे साथ में डेट पर चलोगी? कोशिश करेंगे कि डॉन को ना बताएं। ओ दैट्स राइट यू हैव टू गो टू टेल प्रोफेसर रोवन। नहीं यार प्रोफेसर रोवन नहीं, आप डेट पर चलोगी, सिर्फ एक कॉफी पर चलते हैं। अरे यार आप चलोगी कि नहीं, ये जवाब नहीं दे रही गाइस यार, क्या है सिंथिया यार, कैसा इग्नोर करती हो सिंथिया, वाई यू ऑलवेज इग्नोरिंग मी सिंथिया, Why you always choose to ignore me? क्या किया हमने, सिर्फ एक डेट के बारे में तो पूछा, तुम्हारे कहने पर हमने पूरी दुनिया से लड़ाई करी,
लिटरली भाई हम डिस्टॉर्शन वर्ल्ड से गैरेंटिना को पकड़ के ले आए और ये हमारे साथ में डेट पे चलने को तैयार नहीं है। क्या किस्मत है यार, वहाँ पर डॉन है लेकिन डॉन के पास में चलते हैं ना, उसने कहा है कि प्रोफेसर रोबन के पास में चलना है अभी और प्रोफेसर रोबन को इन सब चीज़ों के बारे में बताना है, वो बहुत ज़्यादा चिंता में है, तो चलते हैं उन्हें बताते हैं। स्प्रिंग पैच, हम जा कहाँ रहे हैं लेकिन, हमें तो यार आई थिंक हमें अपने वापस घर में जाना है, यहाँ मैं क्यों भटक रहा हूँ फालतू में, तो यहाँ से घर वापस चलते। बाप रे पोकेमॉन टीम को तो देखो पूरी की पूरी ख़त्म है गाइस। और यहाँ पर जाना था ना हमें जुबिलैंट सिटी, नहीं सैंड जम टाउन, बिकॉज यहीं लैब है प्रोफेसर की, तो हमें यहीं पर जाना है। चलते हैं जल्दी से, डॉन से मिलेंगे, डॉन के पास में जाएंगे, बताएंगे कि हमने क्या किया है। हाय नर जॉय, नर जॉय के पास में अभी नहीं जाते। अरे यहाँ पर डॉन भी है। हाय डॉन, कैसी हो? हनी यू कम बैक, यू लीव मी स्पीचलेस, यू मेड इट, यू रियली डन इट, नेवर हैज माई हार्ट पाउंडेड दिस हार्ट फॉर सो लॉन्ग इन 60 ईयर्स ऑफ लिविंग। द प्रोफेसर डिड अ लॉट ऑफ चेकिंग अप आफ्टर यू लेफ्ट, ही वॉज रियली वरिड अबाउट यू हनी, ही कॉन्टेक्टेड एक्विस्टेंसिस लुकिंग फॉर हेल्प एंड हनी आई एम ग्लैड टू सी यू सेफ, वेलकम बैक, ओ यस देयर वॉज समथिंग आई हैड टू टेल यू, द थ्री पोकेमोन ऑफ द लेक्स अपीयर टू हैव रिटर्न टू देयर होम्स, सो टेल मी हाउ आर थिंग्स गोइंग फॉर यू। अरे यहाँ पर इन्होंने हमें ये चीज़ बता दी कि जो लेजेंडरी पोकेमोन्स थे ना वो तीनों, यूगजी, मैस्पिरेट और अजेल, वो सभी अपने घर में वापस जा चुके हैं, घरों में जो लेक्स थी ना वहाँ पर, मतलब यार हम लोगों ने पकड़ने भी जा सकते हैं, तो चलेंगे। द पॉकेडेक्स अ टोटल ऑफ 148 एंड द नंबर ऑफ बैजेस हमारे पास में ऑल सातों हैं, एक बचा है शनशोर बैज। तो गाइस आज हम चलेंगे, अच्छा ठीक है, आज हम शनशोर बैज लेने के लिए चलेंगे लेकिन जीतेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ पर देखते हैं सिटी कहाँ पर है शनशोर वाली, आई थिंक पेस्टोरियम लास्ट टाइम यहाँ थी ना, ओ ये रहा शनशोर सिटी, तो यहाँ से जा सकते हैं या यहाँ से आई थिंक सीधा पड़ेगा एकदम, तो यहाँ से चलते हैं वेलस्टोन सिटी से, एकदम सीधा रास्ता है, वहाँ से थोड़ा सा घूम घाम के जाना पड़ेगा और ट्रेनर्स भी खड़े होंगे, लेकिन यहाँ से हमें एकदम सीधा पड़ेगा। पहले गाइस यहाँ पर अपने पोकेमोन को ठीक करते हैं बिकॉज मैंने अभी तक पोकेमोन को ठीक ही नहीं किया। हाय नर्स जॉय, हाउ आर यू? और गाइस मैं सोच रहा हूँ ना क्यों ना गैरेटिना को अपने टीम में रख लें एक बार के लिए, तुम लोग भी देखना चाहते हो गैरेटिना को हमारी टीम में, तो क्यों ना हम उसे रख लें। ठीक है रखते हैं, यहाँ पर हटाते हैं कुछ पोकेमोन्स को, जैसे कि हटा देते हैं हम गोल्डक को हटा देते हैं, और बस ठीक है गोल्डक ही को हटाते हैं और किसी को नहीं हटाते। यहाँ पर विड्रॉ में करते हैं, विड्रॉ कहाँ गया गैरेटिना, ये रहा। हमेशा जब भी तुम लोग ऐसे टाइम पास में घूमो ना तो अपने ऐसे पोकेमोन्स को पास में रखना जिनके पास में एचएम्स हैं, और अपने खास पोकेमोन्स को कभी एचएम मत सिखाया करो, जो पोकेमोन तुम्हारे पास में स्पेशल पोकेमोन्स हैं, तो एक एक्स्ट्रा पोकेमोन हमेशा पकड़ना एक या दो जिन्हें तुम एचएम सिखा सको, जैसे कि मैंने रखे अपनी टीम में। ओके यहाँ पर कुछ है, मैक्स रिपेल, हम निकल गए बहुत से, अरे यार एक बैटल, भाई गैरेटिना को तुमने देखा गाइस, हम उसे आगे रख लेते हैं, इससे हर बैटल में वो पहले आए, मुझे मजा आ रहा है गैरेटिना के साथ में खेलने में। हालांकि यार मैं कभी ना लेजेंडरी पोकेमोन के साथ में खेलता नहीं हूँ, तुम लोग बोलते भी हो भाई लेजेंडरी पोकेमोन को अपनी टीम में ले लो, लेकिन मैं क्यों नहीं लेता, क्योंकि यार मुझे ना पावरफुल पोकेमोन के साथ में खेलना पसंद नहीं है। ओके तो गाइस यार मैं हमेशा ना सोचता हूँ कि नॉर्मल पोकेमोन के साथ में ही खेलूँ, जिससे यार मतलब एक तरीके से यार कमज़ोर पोकेमोन के साथ खेलने का मज़ा ही कुछ और है। अगर तुम्हारे पास में एक नंबर के पोकेमोन्स होंगे लाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल, तो मज़ा ही क्या आएगा यार, ज़रा सोचो क्या मज़ा जब तुम्हारे पास में ख़तरनाक से पोकेमोन्स हों जो सब कुछ कर सकते हैं, मतलब तो यार ये चीटिंग टाइप की लगती है मुझे, पता नहीं क्यों, मतलब मेरा मन नहीं कहता कि खेल भाई खेल लेजेंडरी पोकेमोन के साथ, मुझे लगता है ना तुम्हें नॉर्मल पोकेमोन के साथ खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि लेजेंडरी तो आसानी से हरा देंगे किसी को भी, इनकी पावर तो नेक्स्ट लेवल पर होती है। कभी कभी अगर तुम्हें मज़ा करना है तो रख सकते हो लाइक जैसे अभी मैं रखा हूँ, लेकिन फाइनल टीम में मुश्किल ही है मैं इनका यूज़ करूँ। हाँ मैंने भी एक आध बार किया है शायद पोकेमोन फायर रेड में, लेकिन मेरा मन नहीं था, तुम लोग कमेंट्स में बोल रहे थे तो मैंने यूज़ किया था।
ठीक है, यहाँ से हम लोग आ गए हैं। आई थिंक गाइस यहीं से होना चाहिए शहर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखते हैं, यहीं कहीं से तो होना चाहिए। ओके, रूट नंबर 222, और यहीं है वो रास्ता। मे बी आई थिंक, ओ नहीं। ओके, तो हम आ गए शायद। एक बैटल और करनी होगी बैटल। यहाँ पर कुछ रखा है, पहले ले लेते हैं PPUP। यहां से आगे चलते हैं गाइस, पहुंचने वाले एक और बैटल। इस वाली पॉक्सीबॉल को कैसे ले सकते हैं। एनीवेज गाइस, अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दो, जाओ लाइक करो जल्दी से, 2000 लाइक्स कंप्लीट करो। 2000 लाइक्स गाइस मुझे चाहिए है कैसे भी करके। यो फेलो ट्रेनर, योर पॉक्सीमोन आर सिक्योर इन साइड देयर पॉक्सीबॉल्स बट देयर नो मास्किंग। ओके, दैट ऑर ऑफ सीरियस टफनेस। ऊप सॉरी, आई शुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Flint. I am one of the Pokemon League's Elite Four. Cool. I just had this idea. Maybe you can pull the... क्या? Pull it off. It's about this town's gym leader. He's really lost his enthusiasm lately because there's been so few good challengers worth his time. He's been so bored. He spent all his time renovating the gym. And then the blackout happened. That sure didn't help lift his mood. You know where I'm going with this, don't you? I need you to give him a battle. हाँ ठीक है भाई, उससे लड़ना है। So guys, जिम लीडर को यार ऐसा लगने लगा है कि उसे कोई हरा नहीं सकता, तो हमें जाकर उसे चैलेंज देना है जिससे उसे ये समझ में आ जाए कि भाई उससे भी पावरफुल कोई ट्रेनर यहाँ पर है। So guys, आज के लिए इतना काफी है। हमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, और गैरेटिनो को पकड़ना तो यार सच में बहुत अमेजिंग था, सिर्फ 2 अल्ट्रा बॉल्स में। गाइस, तुम लोग मुझे कमेंट्स में ये चीज आज जरूर बताना, तुम्हें कितनी पॉकीबॉल्स का यूज करना पड़ा था इसे पकड़ने के लिए, कितनी पॉकीबॉल्स तुम्हें लगी थी, जाओ मुझे कमेंट्स में बताओ। यार मैंने सिर्फ 2 में पकड़ा है, लिटरली मजा आ गया, ये मेरे लिए एक रिकॉर्ड है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।